हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू यूट्यूब। और आज मतलब मेरा प्लान है, टूर है देहरादून जयपुर का, और अभी मैं हाईवे पे ही हूँ। मैं घर से निकलते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा कि हम कहीं वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था उस टाइम पे जब मैं निकला था। और अभी 136 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूँ और आगे देखते हैं जयपुर कब तक पहुँचते हैं। और बीच में मेरे कुछ शॉर्ट्स भी हैं, मैंने डाले हैं उसमें वीडियो में, अभी देखना आप आगे। और देखता हूँ कि कितने बजे तक मैं जयपुर पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से मैं अभी तो बाय बाइक जा रहा हूँ, बाय बाइक, बट वहाँ से बाय कार आऊँगा। तो देखते हैं कि कितना, अगर पॉसिबल हो पाया कि मैं आज ही वापस हो पाया, मैं वहाँ जाके पहुँच देखता हूँ कि किस टाइम पहले पहुँचता हूँ, और अगर टाइम पे पहुँच गया तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं कि आज ही मैं 1000 किलोमीटर, मतलब क्योंकि 500 किलोमीटर है अप्रॉक्स जयपुर, और फिर वहाँ जयपुर से ये सहारनपुर भी 500 ही, अरे यार आना जाना 1000 हो गया पूरा, ठीक है बस इतना अच्छा गणित नहीं है हमारा, ठीक है। सो ओके, फिर मिलते हैं आगे, बाय। अब मैं शायद 136 किलोमीटर पे स्टॉप लिया मैंने ये, अब मैं पूरा लूँगा ये 200 पे, फिर मिलते हैं आगे, बाय। मैं देखा ये अंकल को वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम रोड कर रहे हैं। और बस अब मेरा डेली 31 किलोमीटर रह गया है और अब आगे। सो गाइस, अभी 200 किलोमीटर पे रुका तो हूँ, बट अभी क्या हो रहा है, देखा यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी, 200 किलोमीटर जैसे पार हुए। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं आगे जाके जैसे ही हाईवे क्रॉस करके, एक से मैंने पूछा है यहाँ पे मतलब सोनीपत के बाद जाके वो पड़ेगा, तो अभी मेरे को थोड़ा सा शायद ये उल्टा पड़ गया रास्ता, शायद उल्टा नहीं है वैसे सही है बागपत यहाँ से, क्योंकि वहाँ से वो पड़ रहा था 60 और यहाँ से पड़ रहा है 34, तो ये रास्ते शायद सही है। और अब आगे चल के बताता हूँ, जब मेरा स्टॉपेज होगा कोई मुझे ढाबा रेस्टोरेंट मिलेगा तब मिलते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं। अभी मैं 200 किलोमीटर पूरा कर लिया, अब देखते हैं आगे का 200 कैसे पूरा होता है। तो गाइज, अभी जस्ट मैंने बागपत क्रॉस करा है, पर ये ना मानेसर का भी बोर्ड दिखा रहा था, मानेसर अराउंड में भी 140 है यहाँ से, और पर मैं बीच में रुक गया जैसे मैंने ये ब्रिज देखा, नदी उधर भी काफ़ी दूर से आ रही है, और बढ़िया, काफ़ी बड़ी है, बढ़िया बढ़िया लग रही। और यहाँ पे थोड़ी देर अपना रुक के मैं अभी पहले, मैं वैसे मैं यहाँ पे 5-10 मिनट से रुका हुआ हूँ, पहले हिमांशु का कॉल आया कि जीजू कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद दीपका का कॉल आया भाई कहाँ पहुँचे, जो भी कॉल आ रहा है भाई यही पूछ रहा है कहाँ पहुँचे, ये नहीं कोई पूछ रहा कैसे हो, सही है बिल्कुल, सफ़र सही हो रहा नहीं हो रहा, थकावट हो रही नहीं हो रही है, कोई नहीं पूछ रहा भाई, पूछ रहा कहाँ पहुँचे, अब पहले ये पूछो कि भाई कैसे हो, सही हो, थकावट तो नहीं हो रही, चाय वाय पी ली, कुछ पी लिया ना जी, कहाँ पहुँचे, पहुँच जाओ बस। तो बस चलो फिर, अपना अभी एवेंजर ने बहुत बढ़िया साथ दे रखा है, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब फिर वहीं मिलते हैं आगे, मानेसर पे रुकूंगा अब मैं। अभी मैं चल चुका हूँ 211 किलोमीटर, फिर मिलते हैं 300 पे, बाय। सो गाइस, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, 220 किलोमीटर चल गए हम, एवेंजर 220 किलोमीटर, देखा कितनी रॉकेट साइंस है मेरे अंदर, एकदम जीनियस होने की भी सीमा पार कर दी मैंने, बिल्कुल आर पार निकल गया मैं, आर पार, थक गया यार, पता नहीं कैसे एकदम बैक पेन होने लग गया, मैंने कहा रुक जाओ, फिर मैंने देखा अभी मैंने यार ये 220 एवेंजर है और 220 किलोमीटर चलाऊँ मैं इस पर, कितना बढ़िया लग रहा। चलो फिर मिलते हैं अभी आगे, अभी थोड़ा 5 मिनट वेट करके फिर निकलूँगा मैं। तो गाइस, जस्ट अभी पेट्रोल फिलिंग करी है, फुल कराया इंजन, पेट्रोल बिल्कुल,
क्योंकि आगे पता नहीं अभी कितना किलोमीटर पड़ेगा, तो इसलिए फुल कराइए अभी। फिर थोड़ा छोटा सा स्टॉप लेना पड़ा क्योंकि आगे हाईवे पे ना कहीं भी मतलब पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था। तो अभी ये काफ़ी किलोमीटर 250 के बाद मतलब 274 हो गया किलोमीटर पे, यहाँ पे आके पेट्रोल पंप मिला है मानेसर के पास। सो अब बस जस्ट नेक्स्ट स्टॉप मानेसर ही है और उसके बाद फिर जयपुर शायद मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे का रास्ता रह जाएगा और उसके बाद देखते हैं। फिर अब मानेसर पे ही पहुंच के उसका टोल क्रॉस करके वो देखता हूँ कि चाय वाय का कुछ मिल जाए, क्योंकि अभी भूख लग रही है सुबह क्योंकि सिर्फ टोस्ट लिए थे चाय के साथ। और अब देखो अभी यहाँ पे हाईवे पे तो कुछ है नहीं, अब निकलता हूँ यहाँ से तब देखता हूँ कि कहीं मिलता है कुछ। तो पूरा भीग चुका हूँ मैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि यहाँ पर सडनली बारिश स्टार्ट हो गई और रुकने की कोई हाईवे पे जगह ही नहीं थी कि कहाँ रुकूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो चलते रहो। अभी बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है बारिश। और गाइस ये देखो राजस्थान में घुसते ही क्या दिखा, रोड पे ऐसे घूम रहे हैं जो देखने को भी नहीं मिलते उधर की तरफ से। ये शायद बच्चा है, बड़ा है पता नहीं। तो जो जस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ राजस्थान के टीले, ये पहाड़ दिख रहे हैं सूखे और हाईवे पे हैं। मिलते हैं फिर। सो गाइस ये देखो ये, अरे ये होते देखो जानवर, कितना प्यार है इन लोगों में यार, वाह देखो। गाइस मैं पहुंच गया हूं जयपुर, पहुंच चुके यहाँ पे और बच चुके हैं 12 और बस अब ऊपर जाऊंगा और फिर मैं, हिमांशु भी आने वाला है हॉस्पिटल से, उसकी छुट्टी हो गई और फिर मैं मिलता हूं आपसे शाम को। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं सुबह का निकला हुआ हूं और अब पहुंचा हूं यहां पे, तो फिर मिलता हूं आराम से, वेट रेस्ट करके मुंह हाथ धो के खाना वाना खा के तब। बाय जी। हाँ जाएगी लीजी। हाँ हाँ भाई तुम बताओ तो। अच्छा कह रही बहुत दिन बाद दिखाई दिए। बताओ तो लीजी। हाँ तुम तो भूजो की याद दिला रही। हाँ हाँ बस उसका भी यही काम था। हेल्थिया
सो गाइस हेलो। और अब हम लोग जा रहे हैं, जरा मैंने बताया भी था कि हम लोग रात को मिलेंगे क्योंकि मैं थक के सो गया था, फिर थोड़ा सा जब शाम को उठे तो कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए गए थे। हिमांशु एक लेके आया था यहाँ पे फेमस कॉफ़ी के लिए, तो वहाँ गए थे। अभी हम लोग रात को जा रहे हैं पेट्रोल के लिए। तो हम कहाँ थे? हम जयपुर में थे और जयपुर में हैं, तो बस अब हम लोग पेट्रोल के लिए जा रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे। और हिमांशु के फ़ोन की फ्लैश लाइट बंद हो गई लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ता, सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखे अच्छे दिखे अच्छे दिखे। तो बस जस्ट इसके बाद अब हम लोग पेट्रोल के लिए जा रहे हैं। फिर मुझे सुबह, क्योंकि मुझे यहाँ का इतना अच्छा एरिया का नहीं पता है, हिमांशु को पता है, तो हिमांशु ने बोला कि जीजू ऐसा करते हैं रात को ही चलते हैं, अभी पेट्रोल वेट्रोल डला देते हैं, क्योंकि सुबह आप कहाँ जाओगे, आप कहीं देखा खो खा गए तो और मुसीबत। तो इसलिए, क्योंकि हिमांशु को तो जाना है ड्यूटी, तो ये ड्यूटी जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो होते रहते हैं इतने बड़े शहर में, इतनी छोटी सी हरकतें नहीं होंगी तो क्या होगा। तो अभी फिर निकलेंगे, सुबह निकलता हूँ, अभी पेट्रोल डलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।